नमस्कार, मैं हूँ प्रभु चावला। आप सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं। आज की सच्ची बात में हम ये तय करेंगे या डिस्कस करेंगे कि 2019 में क्या होने वाला है। आजकल चर्चा है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर की। क्या 2019 में भी कोई एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर होगा या नहीं होगा? किस तरह का प्राइम मिनिस्टर हम लोगों को मिलेगा? इस तरह जहां भी जाइए यही चर्चा है कि मोदी जी दोबारा से प्रधानमंत्री बनकर वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। 2014 में ये सवाल नहीं उठाते थे लोग, उसके बाद भी कई दिनों तक सवाल नहीं उठाते थे। अभी भी अगर आप ओपिनियन पोल की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी देश के सबसे पॉपुलर प्रधानमंत्री और नेता हैं, इसमें शक नहीं है। क्योंकि वो ज़्यादा दिखाई देते हैं, उनकी पॉपुलरिटी ज़्यादा है, दिन में हर जगह जाते हैं, सबसे ज़्यादा काम करते हैं, सुबह 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक देश की सेवा में काम करते रहते हैं। और तो सवाल क्यों उठता है, क्योंकि तीनों जो चुनाव हुए हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, उसमें जो बीजेपी की हार हुई है उससे लोगों को लगता है कि सीटें इनकी कम होंगी। परंतु इस देश के अंदर एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर की जब बात हो रही है तो मैं कहूँगा कि ऐसे भी हैं इंसिडेंटल प्राइम मिनिस्टर होते हैं, कि कोई एक मौका आ जाता है जिसके अंदर कोई ऐसे लोग आकर के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। उनमें से जैसे मैं कहूँगा इंदर कुमार गुजराल इंसिडेंटल प्राइम मिनिस्टर थे, क्योंकि तो कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं थी, वो भी प्रधानमंत्री बन गए। देवगौड़ा की कॉन्स्टिट्यूंसी थी, वो भी प्रधानमंत्री बन गए। चरण सिंह डिफेक्शन करके प्रधानमंत्री बन गए, चंद्रशेखर बन गए प्रधानमंत्री। तो ऐसे कई प्रधानमंत्री हुए हैं, 15-16 में से 5-6 ऐसे प्रधानमंत्री जिनको हम कह सकते हैं कि उनके बारे में सोचा नहीं था कभी प्रधानमंत्री बने, वो आए और चले गए। वीपी सिंह ऐसे थे जो इंसिडेंटल नहीं थे, एक्सीडेंटल नहीं थे, लोगों ने उनको चुना था, उनको प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया गया था, लोगों ने वोट दिया था और राजीव गांधी की 400 से 200 सीटें हो गई थी। पर मैं एक और कैटेगरी कह रहा हूँ कि कई बार होता है कि मोटिवेशनल के ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं जो प्रेरणा देते हैं लोगों को, जो एक प्रेरणा के रूप बन जाते हैं, उनका स्वरूप बन जाते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री कहूँगा मैं इंदिरा गांधी पहली प्रधानमंत्री थी जो मोटिवेशनल प्रधानमंत्री थी। एक्सपेरिमेंटल प्रधानमंत्री भी रहे हैं, और दूसरे मोटिवेशनल प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। लोग कहते थे, बीजेपी के लोग नारा लगाते थे, अब की बारी अटल बिहारी। तो अटल बिहारी के प्रति एक प्यार था, एक स्नेह था, कि वो उनको मानते थे कि ऐसे व्यक्ति हैं जो देश को एक सुदृढ़ बनाएंगे, जोड़ के रखेंगे, प्यार से करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। मोदी भी 2014 के अंदर एक मोटिवेशनल नेता के रूप में उभर के आए। लोग उनको समझते थे कि ये हमारा एक नेता है जो देश का सबसे स्ट्रांग नेता होगा, जो देश के अंदर तरक्की की तरफ जाएगा, क्योंकि उनको माना जाता था कि वो विकास के मसीहा हैं। गुजरात में उन्होंने जो किया, लोग उसको मानते कि देश में ये सब कुछ होगा। उनके ऊपर ये विश्वास था कि वो पाकिस्तान को भी एक लेसन सिखाएंगे, आर्थिक दृष्टि से विकास करेंगे, सबको मान टेक्नोलॉजी की दृष्टि से आगे लेकर के जाएंगे। ये एक मंत्र था, मोदी मंत्र के मग्न होकर के लोगों ने उनको मोटिवेट होकर के वोट दिया। और 1947 के बाद बीजेपी एक पहली पार्टी बनी जो कांग्रेस के विरुद्ध मेजोरिटी लेकर सत्ता में आई। क्या मोदी अब दोबारा से मोटिवेशनल प्रधानमंत्री बनेंगे? ये सवाल उठता है। सवाल इसलिए उठता है कि उनके मुकाबले में अभी कोई ऐसा मोटिवेशनल आदमी नहीं खड़ा हुआ। राहुल गांधी एक अल्टरनेटिव रूप में आए हैं, उनकी छवि सुधरी है, क्योंकि 3 प्रदेशों में चुनाव हुआ है उसमें कांग्रेस जीती है, उससे पहले कर्नाटका में भी सरकार कांग्रेस के मदद से बनी है। तो राहुल गांधी जिनकी पॉपुलरिटी पहले सोचते नहीं 2%, 3%, 4% होती थी, अब लगभग 30 से ऊपर या 34% के करीब आ गई है। परंतु वहाँ इंसिडेंटल प्राइम मिनिस्टर भी हो सकते हैं, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर भी हो सकते हैं, कि अपने आप को मायावती समझती हैं वो भी प्रधानमंत्री बन सकती हैं। ममता बनर्जी ने कह दिया कि उनके लोग कहते हैं कि वो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकती। चंद्रशेखर राव जो हैं वो तीसरा मोर्चा बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो किस तरह से ऊंट करवट बैठेगा, या देश की गणित कैसे बनेगी, या देश का सामाजिक ध्रुवीकरण कैसा होगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे देश के अंदर इंसिडेंटल प्रधानमंत्री होगा या मोटिवेशनल प्रधानमंत्री को निकल के आएगा इनमें से, या कोई एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री होगा, या कोई एक्सपेरिमेंटल प्रधानमंत्री भी हो सकता है कि प्रयोग के तौर पर कोई ऐसे व्यक्ति या ऐसी महिला को चुना जाए जिसका प्रयोग सामाजिक ध्रुवीकरण के लिए ठीक हो, आर्थिक के लिए ठीक हो, कि सहनशीलता, डायलॉग, डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये सब सवाल उससे चले जा रहे हैं। अब जब जैसे जैसे चुनाव आएगा विकास की कोई बात नहीं करेंगे लोग, राम मंदिर की बात करेंगे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करेंगे, कम्युनलिज्म की बात करेंगे, तिरंगे की बात करेंगे, भारत माता की जय की बात करेंगे,
तो अभी तो जो है पिक्चर अभी शुरू हुई है, अभी तो ट्रेलर दिखाई जा रहा है, पूरी फिल्म कब दिखाई जाएगी इसका पता नहीं है। परंतु देश के अंदर राजनीति एक अनोखा मोड़ लेने वाली है। जब अनोखा मोड़ लेंगे, चौराहे पर पहुंचेंगे, वहां पर कई बार होता है इतनी सारी गाड़ियां आ जाती हैं, इतने सारे लोग झंडे लेकर के आ जाते हैं कि कई बार भीड़ में एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, कुछ हताहत हो जाते हैं, कुछ उसमें निकल के जाएंगे। तो ये जो राजनीतिक जुलूस निकलने वाला है, राजनीतिक कारवां जो निकलने जा रहा है, उसके अंदर जितनी भी गाड़ियां चलेंगी, जितने भी झंडे चलेंगे, उन एक्सीडेंट में से कौन निकल करके बाहर आता है और क्या वो इंसिडेंटल या मोटिवेशनल प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ये तो हम मई में पता करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।